4 दिन का वो कहते हैं ना सोग मनाया, फिर उसके बाद वही ना आपको पता है बॉलर है ना आपको पता है बैटर है, आप है क्या? आप कहते हैं जी हम टॉस जीत गए मैच जीत गए, कैसे हो सकता है यार? तो भाई जो आए उनको तो पहले संभाल लो। इमरान भाई कल की जीत के बाद क्या ऐसा होगा कि आप फिर से पुर उम्मीद हो पाएंगे कभी, आप यू आर डन विद पाकिस्तान क्रिकेट? ऑनेस्टली मेरा ख्याल है कि कल से लेके अभी तक हर प्रोग्राम में हर इंटरव्यू में एक ही डिस्कस हो रही है। आई थिंक मेरे ख्याल में जो जिन चीज़ों से हम पीछे हैं वो ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बहुत सारी ऐसी जगहों पे हमने सब जितने भी अभी बैठे हैं यहाँ पे भी जो बैठे हैं बाकी टीवीज़ पे भी जो चीज़ें बयान कर रहे हैं आया कि उन पे यार वर्कआउट क्यों नहीं हो रहा। एक दूसरा यार ताबिश भाई जो भी है, एंड आज मुझे ये चीज़ कहने पर मजबूर है कि क्रिकेट दिलेरों का काम है। ये टीम और जिस तरह ये लोग खेले हैं यार, इनसे बुज़दिल आज तक मैंने क्रिकेटर नहीं देखे। थोड़े सख्त वर्ड ज़रूर हैं लेकिन एंड ऑफ द डे इस चीज़ का इन टीम का हम भी हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन आया कि कोई मैनेजमेंट कोचेस 10-15 दिन पहले आप कोचेस दिलाते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं 12-15 दिन में क्या सिखा दूंगा। 2-4 दिन के पहले आप वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले आप टीम अनाउंस करते हैं। अभी सब टीमें उठा के सब कंट्री उठा के देख ले, सब की 2-3 टीमें बनती हैं। आप पिछले दिनों एक चीज़ नोट की, न्यूजीलैंड आई है, हम सब ने शोर डाला सी टीम आ गई, बड़ा वाबला मचा के जी ये क्या हो गया, फलाना प्लेयर क्यों नहीं आया फलाने। ओ भाई जो आए उनको तो पहले संभाल लो, हमारे पास उतने स्किल्स नहीं है। मैं आज मेरा कोई यूट्यूब मेरा सोशल मीडिया पे मैं कोई इतना एक्टिव नहीं हूँ, मैं इंजरी के बाद वो बिल्कुल ही गुम हो गया। एक चीज़ ज़रूर यहाँ डिस्कस होगा, और भाई इस चीज़ का मैंने उस वक्त वो क्रिकेट खेली है जब मासवाए आप गिने चुने प्लेयर थे, मैंने खेला। क्यों? क्योंकि उसके पीछे मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत थी, मैं वो मेहनत करके वो स्किल हासिल की है जो मैं ग्राउंड में अप्लाई करता था। इनके पास आया कि 120 अगर मैं कल के मैच की बात करूं तो यार 120 फिर मैं अक्सर ये डिस्कस करता हूं कि यार अब किस चीज़ पे ब्लेम देने हैं, क्रिकेट में एक्सक्यूज़ है ही नहीं। आपको जैसा भी पिच मिलेगा जैसा भी एटमोसफेयर मिलेगा आपने खेलनी है क्रिकेट। आप टॉस जीतते हैं, आप कहते हैं जी हम टॉस जीत गए मैच जीत गए, कैसे हो सकता है यार टॉस पर मैच जीत जाए? नहीं, आपने टॉस जीता बॉलिंग की, एक टाइम ऐसा लगा कि यार 48 रन चाहिए थे, 49 बॉल्स पे 8 विकेट थी हाथ में। आज थोड़ा सा ताबिश भाई ज़रा 5 मिनट बोलने दीजिएगा, लेकिन हमने बहुत अच्छा एक टाइम पे कमबैक किया जो कि मुझे एक टारगेट नज़र आ रहा था 150+ रन, लेकिन हमारी बॉलिंग ने अच्छा कमबैक किया। वो एक फिर हम बैटिंग करने आए, यार बैटिंग इस तरह यार कौन कर रहा है, रनिंग बॉल जो बहुत अरसे से मैं एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि सिंगल वाला प्लेयर ही नहीं है। मैंने आज भी आप प्रोग्राम खोल के देख ले आफ्टरनून में मैंने डिस्कस किया कि आया के पहले प्लेइंग 11 जो 15 का स्क्वाड अनाउंस किया है वो 15 प्लेयर बनते हैं, इनमें जिस टीम में मिडिल ऑर्डर प्लेयर ही नहीं है, एक बैटर भी ऐसा नहीं है कि यार जो सिंगल लेता हो। आप क्या उस टीम के तवक्कात रखेंगे कि यार ये वर्ल्ड कप जितवाएगी? कभी भी नहीं हो सकता यार, आप तुक्के से कभी भी नहीं खेल सकते। ये याद रख, तुक्के में एक इनिंग्स होती है, वो मैंने उस दिन भी कहा था। बहुत सारे प्लेयर हैं, मैं अभी ये लिस्ट गिनवानी शुरू करूं नहीं, सही बात। एक फिर उसके बाद आपकी टीम में 8 प्लेयरों से यार 40 रन नहीं हुए, आप किस पिच को ब्लेम देंगे? फुल टॉस पे आप आउट हो गए, बाउंसर से आप भागते हैं। ओ भाई आपके पास है क्या? ना आपको पता है बॉलर है ना आपको पता है बैटर है, आप है क्या पहले तो ये बोले। फिर मैं सबसे बड़ा जो कोचिंग स्टाफ है मैनेजमेंट है सेलेक्टर्स हैं, आया कि यार इनसे तो पहले बंदा पूछे ना। प्लेयर्स आपका भी अभी कॉल आए पाकिस्तान के लिए, आप अवेलेबल है खेलना है आपने? आप भी कहेंगे जी जी मैंने ज़रूर खेलना है, कौन नहीं खेलेगा, सब खेलेंगे। लेकिन आया कि ये आपने जो सिस्टम बनाया हुआ है, डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक हमारे पास कोई नहीं, डोमेस्टिक के प्लेयर परफॉर्म करें तो उसको कहीं कंसिडर नहीं किया जाता। सोशल मीडिया पर मैंने भी कहा था, एक बच्चा टैलेंट नज़र आया हो यार ये बहुत अच्छा टैलेंट ले आओ, तुक्का लगा 1 इनिंग्स के लिए, उसके बाद टोटली फ्लॉप, कहीं नज़र नहीं आया। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, 1 by 1 गनवाना शुरू करो प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। लेकिन अपनी ईमानदारी से बताया कि यार ये टीम पाकिस्तानी टीम इस तरह की थी, अगर ओपनर चेक करे बॉलर चेक करे। अभी आपने एक चीज़ बोली है कि यार मैं वाला साहब के साथ बैठ रहा हूँ, उन्होंने कहा यार वसीम वकार है, वसीम भाई वकार भाई है, वो कर लेंगे। हमारे पास ऐसा क्या है कि जो कहेगा जी यार ये आके रन कर लेगा? आया कि वो कहते हैं ना टिप रन जो होता है ना, टिप रन वो क्रिकेट का एक अलग छू के निकल, हम लोग कहते थे ग्राउंड में भाई आप टच करे तो सही, आपसे टच बैट को टच भी नहीं हो पा रही। फिर आप कहते हैं कि यार अहमद की बात कि यार आप सोशल मीडिया को पैसा दे दे के अपनी हाइप क्रिएट करते हैं, कैसा हो सकता है यार? ये नहीं, मैं इन चीज़ों को ऑनेस्टली मैं बताया ना कि मैं बहुत दूर चला गया था और मैं कहीं भी सोशल मीडिया में कोई चीज़ वॉच नहीं करता था। इसकी बातें मैं जब सुनता था मैंने कहा यार अहमद क्या हो गया यार, आप किस तरफ लेके जा रहे हो। लेकिन वो बंदा सच है, ये मैं इसको चीज़ का क्रेडिट देता हूँ। आज हमें ये पूछने वाला कोई नहीं है, कौन पूछेगा ये सारा चीज़ें। आया, वर्ल्ड कप खेले, मैचेस खेले, सीरियस आ रहे, 4 दिन का वो कहते हैं ना सोग मनाया, फिर उसके बाद वही रूटीन। अभी आफ्टरनून में जो या भी ने एक चीज़ डिस्कस की कि यार आप लोग वैसे ही बैठे टेंशन ले रहे हैं, यहाँ तो सारा कुछ ईजी है, नॉर्मल है, शॉपिंग हो रही है, खाने हो रहे हैं, ये कौन सा प्रोफेशनलिज्म। अपनी ईमानदारी से बताया, चले आप क्रिकेटर वॉच करते हैं, कहीं भी आपको किसी टाइम पे इनके चेहरे पे, इनकी शक्लों पे प्रोफेशनलिज्म नजर आया, कॉन्फिडेंस नजर आया? और यार 120 पे भी आप इतने शेकी खेले हैं यार, ऊपर से लेके नीचे तक आप यार वो कहते हैं ना वो टांके का। इमरान भाई मैं जरा इमाम की तरफ भी आ रहा हूं, सिर्फ 1 सेकंड। फिर उसके बाद आपका ऐसे टाइम पे आप रिजवान की अगर मैं बात करूं, फखर की बात करूं, शदाब की बात करो, इफ्तिखार की, उस्मान की, यार आपने ऐसे ऐसे प्लेयर लेके आए हैं जैसे यार यही है बस। ऐसा नहीं होता, आप थोड़ा क्रिकेट के ट्रू प्रोफेशनल बनवाएं लड़कों।